हेलो गाइस, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। तो आज हम फ्राइजर ने रिंग प्रोडक्ट के साथ जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक टॉयस की, जो आता है कुछ अलग जो है कि बटरफ्लाई, ये गार बटरफ्लाई है और ये जो है कि ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटिक चलने वाला है। पूरी वीडियो में इसको दिखाता हूं, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्या क्या फीचर देखने को मिलने वाला है, कैसी लाइट आने वाली है, क्या क्या इसके अंदर साउंड क्वालिटी जो है कि हमें देखने को मिलने वाली है, तो पूरा मैं जो है कि आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं गाइस। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस वाले चैनल पर आती रहती हैं। तो गाइस अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं प्ले करके। सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अली, आप देख रहे हैं एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस बटरफ्लाई का ये देखने को मिलता है हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स। इसके अंदर यहां पर देख सकते हो ट्रांसपेरेंट आती है ये कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई, और यहां पर जो कि जिसके ऊपर जो पंखड़ी है यहां पर भी लाइट हमें देखने को मिलती है और ये ऑटोमेटिक वर्क करती है। दूसरी साइड से देख लेते हैं, यहां पर कुछ इसके स्पीकर वगैरह दिए गए हैं किस तरीके से। इसके अंदर हमें दो सेल देखने को मिलेंगे यहां से, और इसके अंदर जो स्विच है कुछ इस तरीके के हैं और भी कुछ यहां पर ये दिखा गया है। दूसरी साइड से देख लेते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके से जो ये चलती है कुछ इस तरीके से, काफी जो है कि रोशनी, काफी इसके अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं एलईडी बल्ब। और इसका जो दुबई प्राइस है यहां पर जो कि आप देख सकते हो 26 दिरहम है। दूसरी साइड से भी हमें सेम देखने को मिलती है यहाँ पर जो कि, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो ये जो स्कैन कोड है आप मोबाइल से स्कैन कोड करके इसकी वीडियो आप देख सकते हो, अनबॉक्सिंग भी देख सकते हो। अभी जो कि फाइनली हम इसको जो कि निकाल लेते हैं और इसके अंदर जो कि हम देखेंगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और ये कुछ इस तरीके से ही आती है इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो कि आप देख सकते हो। तो हमने जो कि निकाली है और ग्रीन कलर की जो कि ये ब्लू कलर की जो कि हमें देखने को मिलती है। अभी जो है कि मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो है कि हमारी जो बटरफ्लाई है वो आ गई है यहाँ पर जो इसके ऊपर, यहाँ पर पंखड़ियों में यहाँ पे देख सकते हो ये गिलारी है, ये ऑटोमेटिक चलने वाली है, ये ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर जो है कि आप इसको नीचे भी गिरा दोगे या दे के भी मार दोगे कहीं पर भी, जो कि अगर बच्चा वगैरह इसको मारता है तो ये टूटेगी नहीं है। इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही जगह हार्ड जो स्ट्रॉन्ग दिया गया है। अभी जो कि ये देख लिया ऊपर से कुछ इस तरीके से है, नीचे से देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे से जो कि एक स्टेयरिंग मिलता है हमें, यहाँ पे स्टेयरिंग के लिए जो कि घुमाते हो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वर्क करने वाला है गाइस। यहाँ पे छोटे छोटे ये मिलते हैं टायर वगैरह, और यहाँ पर जो है कि हमें जो है कि सेल डालने का ऑप्शन मिलता है, दो तीन सेल इसके अंदर आने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो लाइट देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा बिंदास लाइट है, यहाँ पर भी जो है कि लाइट है। और नीचे देख लेते हैं यहाँ पर जो है कि हमें स्विच मिलता है इसका चलाने का। तो अभी गाइज इसके अंदर जो है कि हम कर लेते हैं तीन सेल फिल, फिर देखेंगे इसको प्ले करके ये किस तरीके से वर्क करती है। अभी मैंने इसके अंदर तीन सेल फिल कर लिए हैं, अभी जो है कि हम प्ले करके देखेंगे किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर हमें दो स्विच मिलते हैं, यहाँ पर जो पहला वाला जो स्विच जो करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो लाइट है वो कुछ किस तरीके से जो है कि वर्क करने लगी है, बहुत ही गजब तरीके से नीचे वर्क करने लगी है। उसके बाद में एक बार जैसे कि हम इसको और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो स्टीयरिंग है ये भी स्टार्ट हो गया और यहाँ पर जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पर देख लेते हैं इस साइड से, यहाँ पर जितनी भी गिलारी हैं वो चलने लगी हैं, साउंड भी आ गया है और इसके अंदर जो बल्ब है वो भी कुछ चलने लगा है। तो अभी जो कि फाइनली हम इसको नीचे प्ले करके देखेंगे किस तरीके से वर्क करती है। जैसे इसकी जो एक्सीडेंट होता है कहीं पर भी ये अटकती है तो ये आगे पीछे को ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। Thank you.
सो फ्रेंड कैसी लगी इस बटरफ्लाई की वीडियो कमेंट्स में जरूर बता देना। इसके अंदर जो कि हमें लाइट एलईडी देखने को मिलती है, साउंड क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है, और ये जो है कि अगर आप जो है कि इसको फेंक देते हो कहीं पर भी गिर जाती है ये तो टूटने वाली नहीं है। अगर आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाओगे तब भी ये टूटने वाली नहीं है। अगर कहीं पर भी दीवार में भी देख के इसको मार दोगे तो कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है बहुत ही पावर जो है कि वो भी पावरफुल है, बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग जो है कि इसकी दी गई है, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि आप इसको एक बार ले लोगे तो ये चलती रहेगी, टूटने का इसका कोई भी नाम नहीं है गाइस। तो ये कुछ ऐसी है, इसके अंदर जो कि हमें सेंसर देखने को मिलते हैं किस तरीके है, आगे पीछे को जो कि ऑटोमेटिक ही होती रहती है, कहीं पर भी इसका जो एक्सीडेंट होता है किसी भी चीज से जो है कि टकराती है तो आगे पीछे को भी होती रहती है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉयज की वीडियो मैं डेली डेली इस वाले चैनल पर लेके आता रहता हूँ गाइस। तो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय।